जय हिंद फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में मैं हूं मेजर माधव आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में देखेंगे एक्सपायरी के दिन हमने किस तरह से ट्रेड कैप्चर किया साथ ही देखेंगे कुछ एक ब्रेकआउट स्टॉक्स चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव था एंड हमने जैसे कल भी डिसाइड किया था जो भी मोमेंटम हमें आज फर्स्ट हाफ में मिलेगा वी विल ट्राई टू कैप्चर जहाँ ये इसका लो हाई ब्रेकआउट करता है निफ्टी में क्लियरली एक डाउन ट्रेंड चला हुआ था एंड समवेयर अराउंड टू ओ क्लाक के करीब इसने अपना लो तोड़ा एंड वहाँ से ये कंप्लीटली एक डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखे गया है निफ्टी में अभी भी अगर आप देखें तो ट्रेंड इज ओवरऑल अ डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ से जब तक हमें एक रिवर्सल नहीं मिलता है वी विल हैव टू वेट अगर आप इसको ओवरऑल थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था ये बार बार एक रेजिस्टेंस खा के वापस आ रहा है एट दी लेवल्स ऑफ 900 तो ये जो 900 वाली रेंज है यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस खाता हुआ उन्हीं लेवल से नीचे आ रहा है इससे कुछ एक लर्निंग पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं दैट यहाँ से जब भी ट्रेंड रिवर्स करेगा वेन निफ्टी इज गोइंग टू अगेन अप्रोच द लेवल्स ऑफ नाइन ये लेवल और वीक होते जा रहे हैं एंड जब इस बार ये अप्रोच करेगा इट इज़ गॉट अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग दीज लेवल्स तो इस बार वी कैन एक्सपेक्ट दैट निफ्टी विल ब्रेक आउट फ्रॉम दी फिफ्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड के लेवल से चलिए देखते हैं कल किस तरह से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया ट्रेंड इज डाउनवर्ड यहाँ पर सबसे बड़ी लर्निंग हमारी ये होती है ट्रेंड को रिवर्स होने दीजिए लेट इट कम इन टू अ अप ट्रेंड जैसे ही निफ्टी अप ट्रेंड में आएगा आपको क्लियर ब्रेकआउट मिलेगा ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसको ब्रेक करके बाहर निकल के हायर हाइज एंड हायर लोज बनाना शुरू कर देगा अभी के ट्रेंड के हिसाब से इट हैज़ टू मेक अ रिवर्सल तो रिवर्सल का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ सो दैट इट इज मच क्लियर ये देखिए यहाँ पर ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून ये डाउन ट्रेंड में था एंड इट मेड अ क्लियर रिवर्सल फ्रॉम यहाँ से आप देख सकते हैं अगेन एक हायर हाईज एंड हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था तो जब भी आपको ये ट्रेंड ब्रेक करके ये पैटर्न ब्रेक करके जब ये रिवर्सल देता है दैट इज वेन यू कैन एंटर ऑन द बाइंग साइड फिलहाल क्योंकि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है वी कैन लुक एट अ सेलिंग पोजिशन ओवर हिस्सा अगर ये कंटिन्यू करता है इसी ट्रेंड के साथ सो सम इम्पॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट जिसको हम मार्क करके चलेंगे ताकि हमें ट्रेडिंग में आसानी हो यहाँ से अगर आप देखें तो द लास्ट स्विंग वॉज समवेयर अराउंड द सेम लेवल्स ऑफ 15,650 इन्हीं लेवल्स पे आज भी मार्केट क्लोज हुई है सो दिस वाज अ फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जिस पे मार्केट अप्रोच कर चुकी है इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट आता है आपका 15,450 के लेवल्स पे विच इज़ अ लिटिल बिट लोअर फ्रॉम हियर वहाँ तक जाते जाते आपको मल्टीपल लेवल्स ऑफ सपोर्ट मिलेंगे एट 15,550 एंड 15,500 थाउजेंड एज well. वेल इन लेवल्स को तोड़ के अगर निफ्टी नीचे जाता है देन वी कैन सी ए शार्प फॉल इन निफ्टी एज वेल ध्यान देने वाली बात यह है कि निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है वेरज बैंक निफ्टी इज नॉट एट ऑल टाइम हाई लेवल्स बैंक निफ्टी अभी भी थर्टी फोर थाउजेंड की रेंज में ट्रेड कर रहा है ऑल्दो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाईज़ वर अराउंड थर्टी सेवन थाउजेंड लेवल्स तो टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट यहाँ से निफ्टी और अगर ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी वुड ऑल्सो ट्राई टू कैप्चर दिस मूव एंड कम ऑन द अदर हैंड अगर बैंक निफ्टी एक अप मूव नहीं देता है निफ्टी गिव्ज यू अ डाउनवर्ड ट्रेंड एंड यू नो कम्स डाउन फर्दर तो बैंक निफ्टी के साथ वो सेम लेवल्स पे कैचअप भी कर सकता है तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको समझ आ रहा होगा चलिए देखते हैं जरा बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी में आज जो हमने ट्रेड किया था इट वॉज अ वेरी वेरी क्लियर कट ट्रेड एंड मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये ट्रेड शेयर किया था वेरी सिंपल ट्रेड सिमेट्रिक ट्रायंगल बना था एंड क्योंकि कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड था यहाँ पर अगर आप देखें तो सिमेट्रिक ट्रायंगल बहुत ही अच्छी तरह से बना था स्मॉलर कैंडल्स एज वी गो अलॉन्ग एंड समवेयर अराउंड इस लेवल पे मैंने आपको दिया था ये ट्रेड दैट अ ब्रेकआउट इज गोइंग टू कम यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी इजी मूव टू कैप्चर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है इस तरह के मोमेंटम्स में हमें एट द मनी कॉल्स ले सकते हैं या एट द मनी पुट्स अगर इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन दी अदर साइड तो अगर आप यहाँ से एट द मनी कॉल लेते दैट इज थर्टी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड वो समवेयर अराउंड हंड्रेड रुपीज एंड यहाँ से इट हैड गॉन मोर देन टू हंड्रेड टू फिफ्टी के लेवल्स तक गया था एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी शार्प मूव देखिए कुछ एक चीज़ें यहाँ पर मैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर बताऊँगा जब भी आपको इस तरह के कैंडल्स मिलती हैं यहाँ आप देखिए इसकी विक्स बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई हैं दैट मीन्स दिस वॉज अ वेरी वेरी वॉलिटाइल कैंडल जब ऐसी वॉलेटाइल कैंडल्स आपको देखने को मिलती हैं जिनकी विक्स लंबी होती हैं इसका ये मतलब होता है कि ये स्टॉप लॉस भी साथ साथ हंट करते जा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वीक प्लेयर्स को मार्केट से बाहर कर रहे हैं तो इस तरह के एक सिनेरियो में आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ेगा अपने कॉल या पुट को तो आपको जो आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा डिलिबरेट और थोड़ा आ, वाइड होना चाहिए ताकि जहाँ पर आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले एंड आप उसी टाइम पे ये मोमेंटम भी कैप्चर कर पाए जैसे जैसे ये ऊपर जाना शुरू कर देता है आप अपना स्टॉप लॉस और क्लोज लाते ला सकते हैं सो दैट यू आर नॉट एबल यू आर एबल टू कैप्चर द मूव एट द सेम टाइम यू डू नॉट गिव आउट बिग लॉसेस ठीक इसके बाद बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूस एक फॉल दिया आज एंड दिस फॉल वॉज अगेन पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रेंड दैट यू कैन सी कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड था आज ओपन इंटरेस्ट में भी आप देख सकते हैं दैट यू नो ऑन द ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट क्लियरली वो शोइंग की थर्टी फोर एंड 34,700 के बीच मार्केट क्लोज होगा तो कुछ इन्हीं लेवल्स पे मार्केट को वापस लाया गया एंड यहीं पर ये क्लोजिंग देकर गया है अब कुछ एक बातें आगे के ट्रेड के लिए बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बार बार इन लेवल्स पे आया हुआ है सम स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इज दैट थर्टी फाइव थाउजेंड तो हमने पहले भी डिस्कस किया है इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रोंग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ये अभी भी बना हुआ है बट ध्यान देने वाली बात यह है जैसा मैंने आपको निफ्टी में भी बताया यहाँ से जब भी ये इन, इन लेवल्स को दोबारा टच करेगा इट विल भी अ क्लियर कट ब्रेकआउट फ्रॉम हेयर ठीक उसी तरह से लोअर साइड पर अगर आप देखें तो

तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इसके नीचे अगर ये ब्रेकआउट करके जाता है द नेक्स्ट लेवल ऑफ़ सपोर्ट इज अराउंड 300 लेवल्स 34,300 इन लेवल्स पे आपको सपोर्ट मिलेगा मैं थोड़ा बैक टेस्ट करके आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए काफ़ी क्लियरली ये देखिए जो फर्स्ट लेवल मैंने आपको बताया दैट वॉज अराउंड सिक्स एंड सिक्स लेवल्स तो ये वो जोन है जिसपे मैंने आपको पहला सपोर्ट बताया है द सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट इज एट थर्टी फोर थ्री हंड्रेड विच इज़ दिस लेवल जो मैंने आपको दिखाया है आफ्टर दिस अगर इन दोनों लेवल्स को तोड़ के निफ्ट बैंक निफ्टी और नीचे जाता है तो लास्ट लेवल इज द स्विंग ऑफ थर्टी फोर थाउजेंड इट सेल्फ तो ये इसका एक लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इन नियर रेंज आपको देखने को मिल सकता है अब कल अगर मार्केट आपकी इसी ट्रेंड के साथ खुलती है यानी कि यहाँ से अगर और थोड़ा नीचे या आसपास अराउंड सेम लेवल्स खुलती है एंड आपको दोबारा एक कंटिन्यूस एक सेलिंग देखने को मिलती है तो सेलिंग कैन कम अप टू दी नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो मैंने आपको बताया इज़ अराउंड 650 से 550 के लेवल्स पे है तो वहाँ तक मार्केट नीचे आ सकती है सपोर्ट खाकर वहाँ से एक यूटर्न देखने को आपको मिल सकता है क्योंकि कंटिन्यूसली एक ट्रेंडिंग मार्केट रही है एक्सपायरी वाले दिन भी आपको दो मूव्स कैप्चर करने को मिले एंड येस्टर आल्सो काफी ट्रेंडिंग मार्केट रही है एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद आपको हमेशा एक थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखने को मिलती है एंड दिस आल्सो इंडिकेट्स दैट देर कैन बी अ ट्रेंड रिवर्सल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया इट्स अ क्लियर कट डाउन ट्रेंड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी राइट नाउ तो यहाँ से आप एक ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं थोड़ा सा पीछे जाके यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दूंगा देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट फॉर टू डेज एंड वहाँ से दोबारा एक ब्रेकआउट दिया एंड ट्रेंड रिवर्स हुआ तो बिटवीन टू ट्रेंड्स यू विल ऑलवेज हैव अ पीरियड ऑफ अक्यूमलेशन यहाँ पर तो ये जो स्पेस होता है जहाँ पर मार्केट साइडवेज जाती है दिस इज़ वेयर द प्रीमियम्स विल डीके जितने भी आपके प्रीमियम्स होंगे वो यहाँ पर काफ़ी डीके करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत केयरफुली ट्रेड करना है जो मैंने लेवल्स बताए हैं उनको आप मार्क कर सकते हैं एंड उस हिसाब से बैंक निफ्टी में कल ट्रेड कर सकते हैं चलिए देखते हैं कुछ एक ब्रेकआउट स्टॉक्स सबसे पहला ब्रेकआउट स्टॉक हमारे पास है सन फार्मा सन फार्मा में मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट जैसे मैं आपको ट्रेंड की बात करता हूँ सो द लास्ट ट्रेंड रिवर्सल वॉज समवेयर अराउंड इन मार्च एंड वहाँ से एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ये चला हुआ है अप ट्रेंड में पीक बनाने के बाद आप देखेंगे सनफार्मा साइडवेज हो गया था एंड दिस वॉज अ कंप्लीट साइडवेज मूव अब इस साइडवेज मूव में भी अगर आप देखें तो अब फिलहाल इसने एक अप ट्रेंड देकर यहाँ से एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है तो इस ब्रेकआउट को आप एग्जैक्ट इस लेवल पे कैप्चर करें बिना थोड़ा सा वेट कीजिए जैसे ही ये 690 नाइन्टी के लेवल्स को क्रॉस करेगा इट इज़ अ क्लियर अप मूव फ्रॉम देयर यहाँ से ये एक जो आपका रेजिस्टेंस जोन है उसको क्रॉस कर देगा एंड जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है आपकी दैट इज़ वेयर यू कैन बाई ध्यान दीजिए क्योंकि एक रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेकआउट कर रहा है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया इट विल अगेन रीटेस्टेड एंड मूव फर्दर तो पोजिशनली प्लान करके स्ट्रेट को लीजिए यू कैन हैव अ वेरी गुड मूव दैट कैन बी कैप्चर्ड ओवर हेयर लेट सी द नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डाबर इंडिया डाबर इंडिया में अगेन अ ब्रेकआउट स्टॉक जैसा मैंने आपको बताया क्लियर कट एक रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल रहा है आप देख सकते हैं एक डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है डाबर ने मैंने आपको पहले भी बताया इफ यू मिस आउट ऑन ब्रेकआउट रिप्लेसमेंट का वेट कीजिए अगर यहाँ पर आपको ये कैप्चर करना है दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइम लेवल 590 का बहुत अच्छा लेवल है यहाँ से ये अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा बिकॉज ऑफ दिस ड्रास्टिक अप मूव थोड़ा रिट्रेस करेगा एंड देन इट मूव्स फर्दर अप तो आप इसको एक छोटी स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं एट सेम लेवल्स ठीक उसी तरह से जब एक रिट्रेसमेंट आएगा वहाँ पर आप अपनी बाकी की क्वान्टिटी एड भी कर सकते हैं एट अ बेटर प्राइस आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो so मच जय हिंद